Nikki, one more rupee and it's over. अब इसकी पूछ में कुछ अटक गया तो मालूम नहीं, अदरवाइज वी आर इन फाइनेंशियल रुइन. 140. इसके साथ हमारा टोटल 140. 140? बस 140 रुपए? बस 140 रुपए. और कल एक तारीख है. अरे यार मेरे को मालूम है कल एक तारीख है, बार बार क्या याद दिलाती है एक तारीख है, एक तारीख है. क्योंकि यही सच है. क्या सच? ए निक्की, तूने क्या कहा? कल कौन सी तारीख है? एक तारीख. अरे डफर, तेरे को मालूम नहीं कल एक तारीख है? देख कल तू और राखी मुझे किराया दोगे, उसके बाद मैं सबका उधार चुकता कर दूंगा. नो प्रॉब्लम. दे ताली. देख अमित, मैंने और राखी ने तुझे पहले ही बोला हमारे पास पैसे नहीं है. क्या? तो कोई बात नहीं, तुम दोनों को हकाल के मैं कोई नया किराया रख लूंगा. ए हमारा डिपॉजिट वापस कर फिर. क्या डिपॉजिट वापस करने की? मैं तो मजाक कर रहा था. इधर आ. क्या है निक्की, अब क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे? दरवाजा खोलूंगी, राखी होगी. अपने दूर के रिश्तेदार से पैसे मांगने गए. अरे पैसे तो कोई देता नहीं, पैसे मांगने से क्या होता है? हाय अमित. हाय राखी. और डोली तू आ जा, तू भी बैठ जा. अमित मैं कॉलेज से लौट रही थी तो तुम्हारे लिए मूंगफली खरीद लाई. हाउ स्वीट. हे डोली, तेरे रहते हो ना मैं भूखा कभी नहीं मरूंगा. नहीं क्या बात है अमित, तुम इतने डिप्रेस क्यों लग रहे हो? क्योंकि हमारा खजाना खाली हो गया. झूठ मत बोल. खाली नहीं हुआ, कफन खरीदने के लिए 140 रुपए हैं. देख देखो रे. अमित पापा से बात करूं? अबे चुप रे, वो कफन चोर मेरे 140 लेके भाग जाएगा. मूंगफली दे. बोले तू भी का. अमित अब क्या होगा? अब क्या होगा, अब ऐसा में कुछ भी हो सकता है. 5000 रुपए, 5000 रुपए का नकद पुरस्कार जीतने वाले को. अरे क्या कह रहा तू? अरे यार और तारीख भी देख, 31 नवंबर 1997, यानी आज. यानी आज एक केक कंपटीशन का आयोजन किया गया है जिसमें जीतने वाले को 5000 रुपए नगद और एक ट्रॉफी. ए अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. देता ली. तू इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह रहा है? अरे यार बचपन से लेकर आज तक एक ही तो अच्छा काम करता हूँ. इनफैक्ट मेरे जन्मदिन पर मेरी मम्मी मेरे से केक बनवाती थी. देता ली. दे, 5000 रुपए घर में, नो टेंशन. हाय एवरीबॉडी. अरे बुड्ढे की क्या टाइमिंग है यार, पैसे का नाम सुन के सीधा आ गया. ओए अमित जी, यार तू ये कौन से 5000 रुपए की बात कर रहा है? 5000? अरे अंकल गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून को मान बोली यार. तू बताइए 5000 की क्या बात कर रहा है? वो 5000 का ऐसा है कि अंकल वो हाँ वो 5000 रुपए तो स्मॉल चेंज सबकी जेब में होते हैं, इसकी जेब में मेरी जेब में. इस वक्त इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आपकी जेब में भी होंगे. नहीं ना, तो खन्ना को क्या समझता है? खन्ना तो हमेशा अपनी जेब में 5-10 तो रखती है. वेरी गुड. अच्छा अंकल, अगर आपको मैं कोई ऐसी स्कीम बताऊं जिसमें 5000 रुपए एक जेब में डालो तो दूसरी जेब में से आपको 50 मिलेंगे, तो यू वुड बी इंटरेस्टेड? नो. 50 मिलेंगे? यस. ओ वंडरफुल यार, अरे कमाल की स्कीम है. हाँ बता बता क्या है. एक काम करिए, अपनी जेब में से 5 निकालिए और मेरी बैक पॉकेट में डाल दीजिए जल्दी. 5 निकालो तेरी बैग में डाल दूं? हाँ डाल दीजिए जल्दी. ये ले. थैंक यू. निकाल. क्या निकालूं? 50. तो उल्टा घूमिए ना. घूमिए. ये रहा आपका 50. देखा कितनी अच्छी स्कीम है. 5 के 50. यस लीजिए. बस यू समझ लीजिए कि 5000 रुपए के 50 पैसा इंटरेस्ट रोज, वो भी फ्री में, और आपके 5000 जैसे के तैसे सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में. ये लीजिए. फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक. क्या स्कीम है यार, इतना इंटरेस्ट तो कोई भी बैंक नहीं देता. नहीं नहीं नेवर. निकी अमित, वैसे मैं पैसे का लालची नहीं हूँ. नहीं नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ये 5 की जगह क्यों ना इकट्ठे 10 इन्वेस्ट कर दो. 10? हाँ वेरी गुड. कम से कम एक तो इंटरेस्ट मिलेगा ना. करेक्ट. एक क्या, मैं आपको 2 रुपए दूंगा डेली. वेरी गुड. लो लाइए. तू पहले 5 देना, मैं 10 कर देता हूँ. हाँ ठीक है, ये लीजिए. ये 5 और ये 5 10. यार एक बात बताओ, हाँ तुम लोगों ने भी इस स्कीम में कुछ इन्वेस्ट किया? अरे हम लोग का तो सारा माल इधर ही घुसा हुआ है. आप लाइए ना. अरे मैं तो देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यार इस खुशी की घड़ी में आप लोग भी मेरे साथ शामिल हो जाएं और कुछ इन्वेस्ट कर दें. नहीं नहीं अंकल, देखिए आप हमारे जले पर नमक मत छिड़के, हमारे पास पैसे का इन्वेस्ट करने के लिए. क्या बात करते हैं हमें, पैसे है तो निक्की, वो जो है वो है वंडरफुल. सुनो अब मेरी स्कीम देखो. हाँ. मैं इस 140 को 10,140 कर दूंगा. हाँ? 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 अब आंखें बंद करो. अब बंद कर ली. डॉली तू बंद कर. निकी तू बंद कर. अब खोलना नहीं, वरना नहीं. मेरे भी 10,000 चले जाएंगे. दीजिए अंकल. दीजिए. ओह गिली. लाइए ना अंकल, बहुत बेसब्री से इंतजार है. अंकल लाइए. पापा, अंकल, पापा, अंकल, पापा.
ओए खन्ना तो भाग गया यार बेवकूफ, मैं ना कहता था कि वो कफन चोर हमारे 140 भी लेके भाग जाएगा। ये सब तेरे वजह से। मेरी वजह से? अब क्या करेंगे? अब तो ऐसा हो गया है कि अंडे खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे। डोंट वरी अमित, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए आसमान से अंडे तोड़ के लाऊंगी। आसमान की, तू जाके अपने बाप के अंडे तोड़ के लेके आ जा। अमित के बच्चे, ये खन्ना हमेशा तेरी नाक के नीचे से पैसे ले जाता है और तू कुछ नहीं कर सकता। निकी, क्या है ना कि खन्ना अंकल मेरी वीकनेस है, आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट ए केक। अमित साई तैयारी हो गई, कंपटीशन ठीक 5 बजे। वॉच। वाओ, क्या कहा था मैंने, इस दुनिया में मेरे से अच्छा केक कोई बना ही नहीं सकता। सच्ची अमित, इट्स रियली ग्रेट। जानती हो कितना पसीना गया इस केक में? अरे मेरा मतलब है पिछले 4 घंटे से केक बना रहा हूँ। देख लेना, जब ये केक कंपटीशन में जाएगा ना तो सारे लोग यही कहेंगे, भला ये केक हमारे केक से बेटर कैसे। 5000 तो अपने ही है। एक काम कर, अब फटाफट जाके तैयार हो जाते हैं, फिर निकलते हैं। चल 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 चल। वैसे निकी, मुझे पहनना क्या चाहिए? कपड़े। अरे यार मेरा मतलब है कैसे कपड़े? अच्छे। निकी यार, मुझे ऐसे कपड़े पहनने जैसे 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 मैं किसी बेकरी का मालिक हूँ। अमित, हाँ, तेरे पास धारीदार कुर्ता पजामा है क्या? यार इतने सीरियस सिचुएशन में तू मजाक कर रही है? नहीं यार, तो कुछ भी पहन ले, जीतना तो तू नहीं है। ऐसा क्या? दे ताली। जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। कौन आया? हाय। आइए बंदर साहब आइए। अरे तेरी शक्ल इतनी उधर क्यों गई है? पूरा दिन धूप में घूम रहा था, एक पेमेंट नहीं मिले, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पीता हूँ थोड़ा। एक काम कर, मेरे इस दोस्त को गुड न्यूज़ दे, मैं नहा धो के फिर ठंड होके आता हूँ। ओके कुणाल, गुड न्यूज़। कुणाल देखो, गुड न्यूज़ बताओ। चार घंटे मेहनत करके अमित ने ये केक कंपटीशन के लिए बनाया था। कुणाल, What have you done? निकी, क्या होगा निकी? जो होना था वो हो गया कुणाल। नहीं निकी, अमित मुझे मार डालेगा। कुणाल गलतियां सबसे होती हैं यार। नहीं, मैं स्टुपिड हूँ, स्टुपिड। I can't believe it. I can. निकी मैं क्या करूँ? मुझे भूख लगी थी, मैंने केक खा लिया। निकी, केक बहुत अच्छा था। रोना बंद कर, कुछ नहीं होगा। सच बोल रही हो? झूठ मत बोलो, सच बोलो। सच बोलो? अमित इज गोना किल यू। कुणाल प्लीज स्टॉप इट यार, रोना बंद कर, ये वक्त रोने का नहीं सोचने का है, डैम इट। अब ये क्या कर रहे हो तुम? देख नहीं रही, सोच रहा हूँ मैं। कुणाल हमें कोई इंतजाम करना होगा। अमित का केक का। हमें एक दूसरा ऐसा ही केक लाना होगा जिससे अमित को कुछ ना पता चले। वेरी गुड। नाउ टेल हाउ आई लुक। एकदम जोकर लग रहे हो अमित। क्या यार, तू भी कमाल करती है, तूने नहीं बोला था कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओ, इसलिए तो मैं ऐसा मल्टी कलर शर्ट पहन के आया हूं। तुम सर्कस में जा रहे हो या कंपटीशन में? गो चेंज योर क्लोथ्स। यार ये बहुत कंफ्यूज करती है, कभी बोलते अच्छे कपड़े पहन के आओ, कभी बोलते गो चेंज योर क्लोथ्स। एनीवे पहले जाके मैं केक को ऑन में रख देता हूं वरना खराब हो जाएगा। अमित अमित, केक ऑलरेडी ओवन में ही है। हां ओवन में ही है। हां लेकिन किसने रखा? मैंने। तेरे को केक भी बनाना था? हाउ गुड दैट आली। एनीवे 6 मिनट के बाद में ना वो केक निकाल भी लेना वरना सड़ जाएगा। हां केक तो अब सुबह ही निकलेगा। सुबह निकलेगा? हां तुम केक की चिंता मत करो अमित, हम है ना यहां पर, तुम जाके कपड़े पहनो ना यार, लुक डैशिंग, इट्स योर डे यार। ए डफर, मैं तो डैशिंग दिख लूंगा, लेकिन तुम दोनों की हालत देखिए, बिल्कुल पोकर लग रहे हो। तुम मेरे साथ जाओगे तो मेरी इज्जत उतर जाएगी। जाओ अच्छे कपड़े पहन के आ जाओ। हां नेचुरली तेरी इज्जत के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अब जाओ जाओ, तैयार हो के आओ ना। जाओ जाओ ना, वो केक निकाल लेना। ओके हां ओके ओके। निकी निकी, अब क्या होगा निकी? अगर हम बाहर चले गए और अमित किचन में घुस गया तो क्या होगा? एग्जैक्टली कुणाल। कुणाल आइडिया, हम डॉली से कह के ना सलीम भाई की केकरी से एक केक मंगा लेते हैं। हाँ, आते वक्त मैंने वैसा ही केक सलीम भाई की बेकरी में देखा था। ओके चलो चलो लेट्स गो।
क्या करे क्या करे, कहाँ मर गई वो, क्या करे, मैं देखता हूँ कहाँ गई वो, डॉली डॉली कहाँ है तू, निकी 15 मिनट हो गए गए अभी तक आई नहीं, मैं नर्वस हो रहा हूँ, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। कुनाल क्या, रिलैक्स रिलैक्स, ओके। ये क्या कर रहा है? योगा, मेरे योगा टीचर ने कहा था ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है। कुनाल बाबा मिल गया केक, टन। अब बताओ, लगता हो ना बिल्कुल बेकरी का मालिक है? बिल्कुल मैनेजर। हाँ, लग रहे हो तुम सलीम भाई जैसे। सलीम भाई? एक मिनट यार, ये सलीम भाई कैरेक्टर कौन है? ये बेकरी का मालिक। अच्छा। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अभी मेरे घर का डोरबेल बजा था, कौन आया था भाई, बताएगा कोई मुझे? डोरबेल? नहीं, रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर? अबे गधे, रॉन्ग नंबर तो टेलीफोन में बजता है, ये तो दरवाजा था। इस बार दरवाजे पर आया था रॉन्ग नंबर। बात क्या है, तुम लोगों को इतना पसीना क्यों आ रहा है? यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। बात क्या है, सब ठीक तो है ना? क्या हमें तेरे जीतने की खुशी में पागल हो रही है? ऐसा क्या? और क्या? अभी से दे ताली। तो सोचो, जब जजेस मेरा केक चखेंगे, वो लोग तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। नहीं, चला भी हट। सच में सबको पागल। कहाँ जा रहा है अमित? मैं कहाँ जा रहा हूँ? अरे यार, मैं किचन में जा रहा हूँ। क्यों ऐसे ये का है पहन के? एक मिनट भैया, ऐसी कौन सी रूल बुक में ये रूल लिखा हुआ है कि काली टाई पहन के कोई किचन में नहीं जा सकता? प्रॉब्लम क्या है इस टाइम में? बुराई क्या है, कोई मुझे बताए? क्या बुराई क्या है इस टाइम में कुनाल? बुराई क्या है इस टाइम में? कह रहे हैं काली है, ब्लैक के साथ लकी हमें। अरे यार, क्या डफर है ये भी, 21st सेंचुरी में ऐसी तकियान उसी बातें। मैं इन बातों को नहीं मानता। और क्या है कि अभी किचन में जाना है, मैं तो जा रहा हूँ। निकी, क्या तुझे सचमुच में लगता है कि ये टाई अनलकी हो सकती है? बहुत अनलकी, बहुत अनलकी। देख देख, मैंने आज काली पैंट पहनी है ना। हाँ, देखना। तो इसका कोई काम बना? इसको किसी ने क्या आज पैसे दिए? नहीं ना, कोई काम नहीं बना इसका। देख, हाँ करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली मैं ये सारी बातों में मानता तो हूँ नहीं, और माननी भी नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम कह रही हो और ऐसा सब है तो चांस क्यों लेने का? नहीं, मैं टाई बदल देता हूँ। कंपटीशन जीतता है, एंड वी आर फ्रेंड्स, एंड सो जल्दी उस केक जैसा है। डॉली, यू आर ग्रेट, इट्स एग्जैक्टली द सेम। और टेस्ट के बारे में तो उसको कुछ पता ही नहीं, सिर्फ मुझे पता है। कुनाल, इस केक को ओवन में रखो और जो पुराना केक है उसे फेंक दो। फेंक दो। डॉली, थैंक यू सो मच। वेल, अमित के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, फिर हम वहाँ मिल रहे हैं। तुम्हारी हो ना? पता नहीं, पापा मुझे कहीं बाहर ले जा रहे हैं। एनीवे, अमित को ऑल द बेस्ट विश करना, ओके? श्योर। बाय बाय। सेकंड टाइम टटटट। अब बताओ क्या सब है, सब ठीक तो है ना? बहुत अच्छे लग रहे हो, और अब सब कुछ ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो चलें। अमित 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 अमित, इतना वेट किया तो 2 मिनट और सही, मैं तुम्हें गुड लक तो कह दूं। लेकिन क्यों क्यों? गुड लक। ओह गुड लक। ओह गुड लक। अभी नहीं, ये सब बाद में है, बाद में। अभी जाके वो कंपटीशन में पार्ट लेना है, नहीं तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा। चलो तुम्हारी शर्ट, तुम्हारी शर्ट निकली हुई है हमें। अरे यार, निकली हुई ना, मैं ठीक कर लूंगा। तुम स्टूपिड यार। अमित 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 अमित, ये क्या कर रही है तू? अमित, तुम्हारी पैंट गिर रही है। गिर रही है? हाँ। गिरी तो नहीं है ना? नहीं। शट अप। टटट। ओए, केक वेक निकाला क्या? नहीं, बेकार है बिल्कुल पूरी। ये रहा, इसे कहते हैं जीतने वाला केक। चल हट। तुझे क्या हो गया बे? साले इतना मोटा हो गया है, ऐसा लगता है कि किसी ने तेरे मुंह में केक ठूस दिया हो। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग तैयार होके जल्दी आ जाना। बाय। ऑल द बेस्ट। हाँ, सी यू। कुमार, स्टिल ईटिंग। अरे भैया, अमित जी, आपने तो कमाल कर दिया, क्या केक बनाया है आपने। मुझे मालूम है, मुझे तो पूरा भरोसा है कि फर्स्ट प्राइज आप ही जीतने वाले हैं। ये भी मुझे मालूम है। जज साहब आने वाले हैं। जजेस का ही तो इंतजार है।
ओए अमित। अरे खन्ना कल आप यहाँ, मुझे पता था कि बिल्डिंग के सारे लोग मुझे एनकरेज करने जरूर आएंगे। थैंक यू। शट अप, डोंट ट्राई टू बी ओवर फ्रेंडली विद मी। तेरे को गलतफहमी हो गई है, मैं खुद को एनकरेज करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। मतलब वो देख रहा, वो देख कोने में 12 नंबर वो केक मैंने बनाया है। केक? और आप, लेकिन आप कब से केक बनाने लगे? ओए जब से डॉली ने तेरी मूंगफली मुझे खिलाई है ना, तब से। और वैसे तो जो मालूम है, खन्ना तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। खन्ना कल एक बात बताऊं, सॉरी टू से, आपने एक दर्जन मैदे और आधे किलो मैदे का एकदम सत्यानाश कर दिया। केक जीतने वाला वो नहीं है, जीतने वाला केक तो वो है, केक नंबर वन जो मैंने बनाया है। बच्चे जरा जजेस को मेरा केक चख लें दो, फिर उसके बाद तो किसी केक को चखने वाले नहीं है वो। ऑब्वियसली, क्योंकि वो किसी केक को चखने लायक ही नहीं रह जाएंगे, तभी तो आपका केक एकदम कोने में रखा है लास्ट नंबर। अमित थैंक यू यार, तूने मुझे बता दिया, मैं वो केक उठा के वार देता हूँ। अरे खन्ना जा, जो करना है कर ले। आई टेल यू, टेक योर केक एंड थ्रो इट इनटू द लेक। निकी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अमित को सब कुछ सच सच बता दे दूं? ऐसा कुछ नहीं करेगा समझ। ए निकी कुणाल, उधर क्या हो रहा है? हां अमित हां, लोग अच्छे टाइम पे आ गए बॉस, जजेस अभी आने वाले हैं। तुझे क्या हो गया, तू इतना काम कर रहा है, बहुत नर्वस है क्या? अरे क्या बात, तू भी नर्वस है ना? हां कुंचम, ये कंपटीशन हम ही जीतेंगे। ओके, ए एक बात बताओ निकी, कुणाल निकी जजेस आ रहे हैं। हां तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, जानते हो जज कौन है? कौन? जरूर किसी बेकरी में से खरीद के लाया होगा। सारे केक लग रहे हैं जैसे किसी बेकरी से खरीदे हुए हैं। और ये देखिए, कितना खूबसूरत है। और ये, हाँ ये देखिए, वो देखिए। और सलीम भाई, ये नंबर वन केक अमित जी ने बनाया है। हाय हाय माय केक। निकी, निकी मैं अमित को सब कुछ सच सच बता देने वाला हूँ। निकी नहीं, मुझे बता दो। अमित, 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 हाँ बोलना यार। अमित मुझे कुछ कहना है। अच्छा बोलना, चिल्ला था क्यों? अमित देखिए, ये केक, ये केक तुम्हारा नहीं है। अरे क्या मेरा केक नहीं, ये केक मेरा, ये नंबर वन लिखा तो है यार। नहीं अमित, ये तेरा केक नहीं है। अरे यार क्यों मजाक कर रहा है ऐसे मौके पर? नहीं अमित, तुम्हारा केक, तुम्हारा केक मैंने गलती से खा लिया। क्या? ओए गधे, अगर तुमने मेरा केक खा लिया तो ये केक किसका है? ये केक सलीम भाई की बेकरी से मंगवाया हुआ है। अच्छा तो ये बात है, अब मुझे सब पता लग गया है। मैंने तो पहले तुझे बोला था ये पहला प्राइज मुझे मिलने वाला है। मैं अभी जाके जजेस को बताकर आता हूँ। नहीं पापा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। नहीं अगर आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज अगले जज, अगले पापा सुनिए, ये एक नंबर का केक इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले सकता है, क्योंकि ये केक बेईमानी से बना है। बेईमानी से नहीं, ये अंडों से बनाया गया केक है। ऑलरेडी मेरा मतलब है कि ये केक, नहीं पापा, और छोड़ दो मुझे। अरे ये केक तो मैंने बनाया हुआ। साले कुणाल, ये सारा तेरा किया धरा है, तेरी तो मैं तेरी। क्या हुआ? रुक, ये सब तेरी वजह से हुआ है ना, तू अमित की मूंगफली खाती और ना ये दिन होता, तो आपको किसने कहा था कंपटीशन में भाग लेने को? ओ जब्बा, ये कंपटीशन तेरे बाप का नहीं है। क्या जमाल के सब संभाल के, सब संभाल के, संभाल के, वरना 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 ओ टट टट टट, ओ मेरी बारी है यार। अरे यार सब बात करो, ये सब ड्रामा यार, तुम लोग समझते क्यों नहीं? गलती ना आपकी है, गलती ना तुम्हारी है, ना तुम्हारी है, ना ही तेरी है। वो तो फिर किसकी है? Unfortunately, you see, गलती तो मेरी है।